Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया। दोस्तों अभी हमारा लुक बिल्कुल चेंज हो गया है क्योंकि अभी रात का वक्त हो रहा है। मनीषा बेचारी के मिले डिनर बनाने। अभी जब मनीषा ने पहले ब्लॉग स्टार्ट किया ना, मेरे को इसका पहला दिन याद आ गया। कैसे बोलती थी, Hey guys, आप सब। मेरे को ऐसा लगा कि यार ये ऐसे बोलती थी, अब देखो कितना फास्ट बोले। खैर कोई बात नहीं, खाना पीना भी खाते हैं। हमको सिखाते थे पीछे बैठा, सीखो पहले तुम कैसे बोलना। अरे कैमरा भी ऑन कर देते थे, धीरे धीरे बोलती थी तो फ्लो। हमने नहीं नहीं अभी बताइए पहले क्या बोलना है। चलो अभी खाना पीना खाते हैं गाइस, क्योंकि भूख लग रही है। मेरे को भूख तो नहीं लगी, मैंने डिनर कर लिया। लेकिन मनीषा बोली मनीषा सिर्फ आम ला दो ना, वही खा लेंगे। नहीं ये सिर्फ आम खाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम अभी जस्ट खाना खाए थे गाइस थोड़ी देर पहले। खाना नहीं खाए थे, मोमोज खाए थे। बहुत ज्यादा खा लिए थे ना वो तो। मैं भी खाई थी लेकिन मैं दो रोटी खा ली थी। बाल कैसा कैसा हो गया, उला गया पूरा मेरा बाल, अजीब सा थोड़ा हो गया था अभी, पता है गाइस। पहले से मेरा बाल बहुत सॉफ्ट हो गया था। अभी आप लोग हमेशा बोलते हो ना आपका बाल दीदी लाइट करता है कैमरे में, तो पता है आप लोग सभी को पता है कि मैं अपने बाल का स्ट्रेटिंग कराई थी। और स्ट्रेटिंग बाद अभी भी मैं बाल झाड़ू ना, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हमेशा होते रहता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं मामा अर्थ का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ बहुत सारा। आप लोग मामा अर्थ का प्रोडक्ट देखते हो, कभी ऑयल मंगाती हूँ। आज आपको गाइस हम मामा अर्थ का एक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, काफी बेनिफिशियल, आप लोग ट्राई करना। पहले तुम खाना। किचन में खाना बनाने, जब तक मैं खाना बनाती हूँ तब तक मैं आप सभी को अपने बालों की राज के बारे में बताती हूँ। आप सभी को पता है कि आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग अपने बालों का केयर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ ऑयल शैम्पू कंडीशनर लगा के खुश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अपने बालों का केयर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है जो कि है हेयर मास्क। और हेयर मास्क हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है आप सभी को पता होना। बिल्कुल गाइस, पिछली बार भी हम लोगों ने मतलब प्रोडक्ट आपको बताया भी हुआ था, मामा अर्थ का हमने मंगाया हुआ था ऑनियन शैम्पू और कंडीशनर, जो कि काफी बेनिफिशियल है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। मामा अर्थ की सबसे खास बात मैं आपको बता दूं ना, तो मामा अर्थ से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं ना, तो वो आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक कर देते हैं। और इन लोगों का तो मिशन भी है 2025 तक 1 मिलियन प्लांट लगाने का, तो है ना कितना गुड इनिशिएटिव। साथ में मामा अर्थ का जो हमने हेयर ऑनियन हेयर मास्क लिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, और ऊपर से हम लोगों के जो पिछले प्रोडक्ट्स थे उससे कंपेटेबल है। यानी कि मामा अर्थ का ऑनियन शैम्पू और कंडीशनर तो था ही, साथ में हेयर मास्क आ गया तो उससे और भी अच्छा बालों का हो गया। मनीषा ने इसको यूज़ करना अभी 2-4 दिनों से स्टार्ट किया है और काफ़ी मतलब बेनिफिशियल दिख रहा है। पहले ये मामा अर्थ का एरगॉन वाला यूज़ करती थी, वो भी ज़्यादा अच्छा था। एरगॉन हेयर मास्क का यहाँ पर एक और इसके पास है, तो ये वाला भी काफ़ी बेनिफिशियल है। लेकिन जो आपका ये मामा अर्थ का ऑनियन मास्क है, आपको पता है ऑनियन हमारे पुराने ज़माने से कितना ज़्यादा एक किचन के इंग्रेडिएंट्स हो बहुत ज़्यादा यूज़ में रहता है। हम लोग तो मामा अर्थ का टर्मेरिक वाला वो भी लिए होते फेस वॉश, वो भी काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा ग्लो देता है, बहुत नेचुरल लुक देता है और साथ में एक अलग सा शाइन देता है। लेकिन मामा अर्थ की अगर ऑनियन हेयर मास्क की बात बारे में बात करें, तो ये आपके बालों को बिल्कुल लाइट फील कराता है, काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी स्मूथ आपको फील होता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, आपके जो स्काल्प होते हैं उनको बिल्कुल क्लीन करता है, साथ में आपके जो जड़ होते हैं ना बालों को उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो इससे बाल आपके मजबूत रहते हैं। इसके अंदर ऑनियन ऑयल है जो कि हमारे बालों को मतलब उसके स्काल्प में जो डर्ट होते हैं ना उनको क्लीन करता है, और साथ में हमारे जो बाल इची इची हो जाते हैं ना, खुजली होने लग जाती है, उसको भी रिड्यूस करता है। इतना ही नहीं, इसमें ऑर्गेनिक बैम्बो विनेगर भी है जो कि बैक्टीरियाज को किल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और हमारे हेयर शाफ्ट को स्मूथ भी रखता है। साथ में इसमें कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल हमारे बालों को नरिश करता है और जो आपके जड़ होते हैं ना, जड़ से लेकर के बाल के अंतिम छोर तक, टिप तक मजबूती प्रोवाइड करता है बालों को। साथ में इसमें रोजमेरी ऑयल भी है जो कि हमारे बालों को, जैसे होता है ना कि जल्दी जल्दी ग्रे होने लग जाता है बाल, पकने जैसा लगता है, तो उसको भी रिड्यूस करता है। तो कैसे यूज करना है, सबसे पहले अपने बालों को 2 भाग में ऐसे बांट देंगे, उसके बाद एक भाग को गीला कर देंगे और हेयर मास्क को लेकर पूरा बालों के लेंथ तक लगाएंगे, जड़ लगाएंगे, और उसके बाद से हम 15-20 मिनट तक छोड़ देंगे। अगर अच्छा रिजल्ट आप लोग को पाना है तो हफ्ते में 2-3 बार यूज कर सकते। बिल्कुल, और मामा अर्थ के कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं तो ध्यान रखें कि वो पैराबेन फ्री होते हैं, किसी भी तरह का सिलिकॉन्स नहीं है, कोई भी तरह का केमिकल नहीं है, तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में अगर आप हमारा कोड दुनिया2022 यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपको बताना चाहूँगा मामा अर्थ का ऑफिशियल ऐप भी आ गया है, तो आप वहाँ से भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। मामा अर्थ की वेबसाइट से तो ले ही सकते हैं, साथ में आप उसके ऐप से भी ले सकते हैं, बाकी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका और पर्पल पर आपको मिल ही जाएंगे ये प्रोडक्ट। तो काफ़ी अच्छा है, मामा अर्थ के साथ तो हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हम लोग टाइम टाइम पे आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं।
तो जिन लोगों को भी लेना हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग लीजिएगा जरूर, एक बार ट्राई करना, काफी बेनिफिशियल है। देखिए घर में आते आते गाना बजा के सुनना स्टार्ट कर दिए, इनको इतना इंस्टाग्राम का भूत चढ़ गया है कि कोई जवाब नहीं है। कहाँ से भूत चढ़ा है? तुम लोग से। चलिए हम लोग से कुछ तो अच्छा सीखिए। और अच्छा नहीं सीखा, खराब चीज है। नहीं ये कोई खराब नहीं है, ये एंजॉयमेंट है, लाइफ एक है, आप एंजॉय कीजिए। पूरा काम खराब हो जा रहा है इसे, तो बंद कर दीजिए, मत चलाइए। तो हम अब हम क्या कर रहे हैं, जब पूरे घर के लोग चला रहा है तो हम बैठ के देखते रहे। पूरा घर देखिए तभी ना। देखो देखिए कैसे बना रही है, हेरो गाइस आप लोग ऊपर से करें, खराब चीज है। भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो जाता है इंस्टाग्राम पर, कैसे खराब हो सकता है? भोलेनाथ का तो सही है। ये किचन में चाय बना रही है, मेहमान लोग आए हैं ना जी, आज मनीषा के हाथ पे चाय पी रही है। मुँह बिल्कुल ऐसी लग रहा हल्दी के डब्बे में से डूब के निकली है। पीला इस रूम में क्यों आता है ज़्यादा? तुम्हारा मुँह पीला। अच्छा सनलाइट यहाँ से पीला रिफ्लेक्ट कर रहा है मुँह पे। तो भाई जिसको मैं अभी बोला हूँ कि थोड़ा सा अच्छा सा मुँह धोया करे कि पीलापन हट जाए, लेकिन येलो हो गया इसका मुँह। देख रहे आप लोग कमेंट करना कितने लोगों को येलो मुँह दिख रहा है इसका। बाकी एक तरफ दूध उबल रहा है, एक तरफ चाय ना, कहीं दूध कभी चाय। मनीषा बोले चाय क्या चाय क्या करती है इतना? अभी चाय बना रहे हैं, मम्मी आई है तो खाना पीना सबको खिला दी। अब एकदम मस्त खुश हो गई मनीषा ना। चलो बढ़िया है। मम्मी से साड़ी मांगी, अभी चूड़ी भी ली है मम्मी, ये वाला देख लो मस्त ग्रीन ग्रीन। ये साड़ी पहन के पूरा गर्मी हो रहा है, अभी मैं इसको सोच रही हूँ चेंज करने का। इतना गर्मी हो रहा है ना, मेरा मुंह का हालत इतना खराब हो गया है। मुंह का हालत खराब हो गया है तो अच्छा लग रहा है मुंह का हालत। पट 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 मेहंदी दिखाओ, मेहंदी गाइस मेहंदी देखो। मम्मी को बोले इतना सुंदर मेहंदी, मेहंदी दिखाओ मम्मी को, दिखाइए कि लाल हो गया है। बोल रहे हैं क्या बोली मम्मी, इतना सारा साड़ी तो नहीं है। मम्मी बोली देखो मेहंदी इसका पहले लाल नहीं होता था। यूट्यूब का लोगो बना लिया मेहंदी में, वो भाई साहब खतरनाक ही आदमी है। एनीवेज गाइस आप लोग ब्लॉग एंजॉय करो मनीषा की दुनिया पे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आएंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। बाकी ये वाला ब्लॉग तो मनीषा एंड कर ही देगी ना। हाँ। इसको मारते हैं तो देखिए कैसे मुँह बनाती है। देखा आँख भी लिंक होता है इसके। हम बोल देंगे तुम ही सिखाइए मम्मी, आपको बोल रही मनीषा ना, मम्मी के मुंह पे जाकर ऐसे ऐसे करिए ना, ऐसे ऐसे। इस बार तेरे बात पिनकी है। नहीं मार देगा जाओ। देखो भाई देख रहे हो आप लोग, ये देखो इनको कुछ छुएंगे भी नहीं लेकिन ये अपने आप हिलने लगेंगे। आपको बिना छुए हिला दे हैं? बोलिए बोलिए, मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। देखो भाई हम छुएंगे भी नहीं, ये हिल जाएंगे। क्या काम कर रहा है तुम? और तुम सिखा के बज रही है इसको? हाँ यही सिखाई है। सचिन मार देंगे। एनीवेज चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मनीषा की दुनिया में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।